यह चेरी स्टपरी वेंडिंग मशीन है जो गर्म बेवरेजेस के लिए यूज किया जाता है। आज हम इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में जानेंगे। चेरी स्टपरी वेंडिंग मशीन में पुश बटन लगे हुए हैं जिससे आप डिस्पेंस करते हैं। यह पुश बटन प्रत्येक बेवरेज के लिए लगे हुए हैं। अगर आप बटन का प्रयोग ना करना चाहते हो तो आप IR सेंसर से भी डिस्पेंस कर सकते हैं। कप को डिटेक्ट करने के लिए इसमें दो सेंसर्स लगे हुए हैं। कप रखते ही मशीन इसको डिटेक्ट करती है। इस मशीन के डोर को लॉक करने के लिए इलेक्ट्रिकल लॉकिंग का प्रयोग किया गया है। इस मशीन में आप सिर्फ गर्म पानी भी डिस्पेंस कर सकते हैं। आप मशीन में कप रखें और हॉट वाटर का बटन दबाएं, गर्म पानी आपके कप में डिस्पेंस हो जाएगी। चेरी स्टपरी वेंडिंग मशीन में एक स्पेशल फंक्शनैलिटी यह है कि यह एक साथ दो या तीन कैनिस्टर को एक साथ डिस्पेंस कर सकती है। सबसे पहले ऑप्शन में जाने के लिए लोअर बेवरेजेस और हॉट वाटर को एक साथ प्रेस करना है। प्रेस करते ही आप मेन्यू में चले जाओगे। एक नंबर पर आपको सेट टेम्परेचर का ऑप्शन मिलेगा। एंटर करते ही आप उसके अंदर चले जाएंगे। टेम्परेचर सेट करने के लिए आप अप या डाउन बटन का यूज कर सकते हैं। अप बटन से आपका टेम्परेचर रेज होगा, डाउन प्रेस करने से टेम्परेचर डाउन होगा। सिलेक्ट करने के लिए आप एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप टेम्परेचर सेलेक्ट करते हैं, आपका डिजायर्ड टेम्परेचर जो सेट किया हुआ है वो मशीन ऑटोमेटिक वहां जाकर हीटिंग अप बंद कर देगी। दो नंबर पर वाटर इनलेट टाइप का ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर दो टॉप और बॉटम दो तरह के ऑप्शंस हैं। बॉटम सेलेक्ट करते ही आपका जो जार है वो नीचे वाला सेलेक्ट हो जाएगा और सेलेक्ट करने के लिए आप एंटर प्रेस करेंगे। अगर आप जार अपर में यूज करना चाहते हैं तो आपको सेटिंग में आपको टॉप बटन सेलेक्ट करने होंगे और टॉप सेलेक्ट करके आपको एंटर प्रेस करना होगा। तीन नंबर पर आप ऑप्शन डोर अनलॉक का होगा। डोर अनलॉक करके आपको एंटर करना होगा और डोर यह आपका अनलॉक हो जाएगा। मेन्यू का फोर्थ ऑप्शन कैलिब्रेशन का है, जहां आप प्रीमिक्स टाइम, मिक्सिंग टाइम और वाटर टाइम बदल सकते हैं। कैलिब्रेशन ऑप्शन में एंटर करने के बाद प्रीमिक्स टाइम का ऑप्शन आएगा। अप बटन से आप टाइम बढ़ा सकते हैं और डाउन बटन से आप टाइम घटा सकते हैं। कैनिस्टर टू और कैनिस्टर थ्री के लिए डिफॉल्ट टाइम जीरो रहने देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। दो नंबर पर मिक्सिंग टाइम का ऑप्शन आएगा। अप बटन से आप टाइम बढ़ा सकते हैं और डाउन बटन से आप टाइम घटा सकते हैं। कैनिस्टर टू और कैनिस्टर थ्री के लिए डिफॉल्ट टाइम जीरो रहने देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तीन नंबर पर वाटर टाइम का ऑप्शन आएगा। अप बटन से आप टाइम बढ़ा सकते हैं और डाउन बटन से आप टाइम घटा सकते हैं। कैनिस्टर टू और कैनिस्टर थ्री के लिए डिफॉल्ट टाइम जीरो रहने देंगे। पांच नंबर ऑप्शन से आपके क्लीनिंग के ऑप्शन हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही क्लीनिंग शुरू हो जाएगी। आपको कप रखने की जरूरत है। कप रखते ही आपको तीन बार आपको कप आपको बाहर निकालना है और वापस से अंदर रखना है। ये ऑटोमेटिक क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी और ये आपके इंटरनल मिक्सिंग बॉल को क्लीन कर देगी। छह नंबर पर सिस्टम इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जिसमें मशीन का ID और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है उसका कौन सा वर्जन है वो आपको दिखाई पड़ेगा। डिस्पेंस करने के लिए आपको कप रखना होगा। कप प्लेस करके आप बटन से एक नंबर का कमांड डालेंगे तो आपका डिस्पेंस जो एक नंबर में आपका बेवरेज होगा वो डिस्पेंस हो जाएगा। आप IR सेंसर से भी आप कमांड दे सकते हैं। आपको कप रखना होगा। कप प्लेस करते ही आप IR सेंसर के सामने आप अपने कमांड देंगे और बेवरेज आपका डिस्पेंस हो जाएगा।